आज से 18 दिन बाद आ रही है ऐसी पिक्चर जिसके 3 मिनट 22 सेकंड के ट्रेलर ने मचा दिया दुनिया भर में तूफान। ट्रेलर देखकर फटी की फटी रह गई लोगों की आंखें। 22 मार्च को सामने आना वाला है आजाद भारत का सबसे बड़ा सच, जो 140 करोड़ देशवासियों से छुपाया गया। एडवांस टिकट अभी से होने लगी बुक, टूट जाएंगे पुराने सभी रिकॉर्ड। आज से कुछ दिनों बाद आ रही है ऐसी पिक्चर जिसके 3 मिनट 22 सेकंड के ट्रेलर ने दुनिया भर में तूफान मचा दिया है। हिंदुस्तान का हर विरोधी हैरान है। ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई, अखंड भारत बनाने का सपना, रणबीर हुड्डा की एक्टिंग देखकर छूट गया लोगों का पसीना। एक्टिंग देखकर करने लगे लोग बेसब्री से पिक्चर का इंतजार। जी हां, दिल थाम के बैठिए क्योंकि 22 तारीख को हिंदुस्तान में एक ऐसी पिक्चर रिलीज होने वाली है जो आते ही बॉक्स ऑफिस का सारा रिकॉर्ड तोड़ देगी, जो आते ही हिंदुस्तान में खलबली मचा देगी, जो आते ही हॉलीवुड बॉलीवुड सबको हिलाकर रख देगी। और इस फिल्म के एक्टर हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रणदीप हुड्डा, जिन्हें हमेशा उनके दमदार काम के लिए फैंस ने सराहा है। उन्होंने हमेशा लीक से हटकर फिल्में चुनी हैं और उसमें पूरी जी जान लगा दी। अब रणदीप हुड्डा भारत के स्वतंत्रता संग्राम नायकों में से एक वीर सावरकर की कहानी लेकर सामने आ रहे हैं, जिनकी शख्सियत राजनीति और इतिहास के विवादों का भी खूब हिस्सा है। रणदीप हुड्डा स्टारर स्वतंत्र वीर सावरकर का ट्रेलर भी सामने आ गया है। इस फिल्म का इंतजार फैंस काफी लंबे समय से कर रहे थे। फिल्म का टीजर पिछले साल रिलीज किया गया और इसमें विनायक दामोदर सावरकर के रोल में उन्हें देखकर जनता बहुत इंप्रेस हुई थी। उस समय तो फिल्म टल गई, लेकिन अब आखिरकार बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है। सावरकर के ट्रेलर में रणदीप को देखने के बाद फिल्म देखने के लिए लोगों की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। सावरकर फिल्म भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शामिल वीर सावरकर के जीवन पर आधारित है। फिल्म में उनका किरदार निभा रहे रणदीप हुड्डा ने खुद को इस रोल के लिए जितना ट्रांसफॉर्म किया है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। पूरा ट्रेलर ही रणदीप के जानदार काम की गवाही दे रहा है। हम सबको पता है भारत को आजादी हिंसा से मिली, ये वो कहानी नहीं है। ट्रेलर की शुरुआत इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। अपनी जानदार एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए हमेशा से जनता के फेवरेट एक्टर्स में से एक रहे रणदीप हुड्डा डायरेक्टर के तौर पर भी डेब्यू कर रहे हैं। उन्होंने सावरकर में सिर्फ लीड रोल ही नहीं निभाया बल्कि खुद इसे डायरेक्ट भी किया है। जब ये फिल्म अनाउंस हुई तो इसके डायरेक्टर महेश मांजरेकर थे, लेकिन बाद में उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया और इसकी वजह रणदीप ने अपना क्रिएटिव डिफरेंस बताया। मांजरेकर ने भी कहा कि फिल्म मेकिंग के दौरान रणदीप अपने किरदार सावरकर को लेकर ऑब्सेस होने लगे थे और फिल्म में बहुत ज्यादा बदलाव चाहते थे, इसलिए उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला कर दिया। मांजरेकर के जाने के बाद सावरकर की कमान खुद रणदीप हुड्डा ने अपने हाथों में संभाली। ये फिल्म 2023 में रिलीज होनी थी मगर इसके राइट्स को लेकर रणदीप हुड्डा का प्रोड्यूसर में विवाद हो गया। हुड्डा ने फिल्म को लिए काफी मेहनत की और एक महीने में 26 किलो वजन कम कर दिया, मगर ये आरोप लगा कि मेकर्स फिल्म में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिसके बाद हुड्डा ने फिल्म प्रोड्यूस भी की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विवाद पर फैसला देते हुए तय किया कि सावरकर के रिवेन्यू में 70% हिस्सा हुड्डा का होगा और 30% बाकी दोनों प्रोड्यूसर्स का। अब आखिरकार शहीद दिवस के मौके पर यानी कि 22 मार्च को सावरकर थिएटर्स में रिलीज होगी, जिसके ट्रेलर को देखकर अभी से इतना जबरदस्त बस क्रिएट हो गया है कि समझ लीजिए कि पहले ही दिन ये फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी। क्या बॉलीवुड, क्या हॉलीवुड, क्या टॉलीवुड, पूरी दुनिया इस फिल्म को देखती रह जाएगी और ये फिल्म इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड दर्ज कर देगी। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर आपकी क्या राय है, जो भी हो हमें कमेंट करके बताइएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।